सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज 11 में वैलोरेंट प्ले नहीं हो रहा है तो इसकी प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एरर आ रहा है रिक्वायर्ड TPM 2.0 वर्जन और यहाँ पर सिक्योर बूट एनेबल करने के लिए बोल रहा है तो इसकी प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है उसके बाद आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में जाना है, फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है सर्विसेस। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, सर्विसेस जो है ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर VGC के ऊपर आपको राइट क्लिक कर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टअप टाइप में जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपको स्टॉप के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसकी सर्विस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, इसकी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सर्विसेज के विंडो को जो है आपको क्लोज कर देना है। फिर आपको जो है रन कमेंड ओपन करना है। विंडोज की प्रेस करते हुए आप जो है R प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की से यहाँ पर रन कमेंड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है टाइप कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप कर आपको जो है यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है वैलोरेंट का फोल्डर, तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर सेव्ड फोल्डर को जो है ओपन कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लॉक्स का जो फोल्डर है इसको भी आपको ओपन करना है। फिर यहाँ पर ये लॉक्स में जितने भी सारे फाइल्स हैं आपको सेलेक्ट कर आप जो है इसको डिलीट कीजिए। यहाँ पर से डिलीट के ऊपर क्लिक कीजिए, सारे फाइल्स जो है वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है बैक आना है। फिर आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्फिग का जो फोल्डर है इसको ओपन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ये फोल्डर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये सारे फाइल्स को जो है सेलेक्ट कर आपको इस फाइल्स को भी जो है डिलीट कर देना है। यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये फाइल्स डिलीट हो जाएंगे। इस विंडो को आप जो है क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रन कमांड में टाइप करना है jped.mac। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंडो जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप जो है इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर विंडोज कंपोनेंट के फोल्डर को ओपन करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये फोल्डर को जो है आपको ओपन कर देना है। यहाँ पर ये फोल्डर ओपन होने के बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स, तो आपको जो है इस फोल्डर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायर्ड एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप, तो आप जो है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इसको डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर एनेबल के ऊपर चेक कर देना है। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अलाउ TPM, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर ये अलाउ हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। फिर आप जो है अपने PC या लैपटॉप को जो है एक बार रिस्टार्ट कीजिए। उसके बाद वैलोरेंट आप ओपन कीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।